भाई जब भी बात होती है गणगौर की और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गणगौर का त्योहार धूमधाम से ना मनाया जाए। यहाँ तो हर पीढ़ी में हमने इस त्योहार को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है और हम देखते भी हैं। अब अबीरा की बारी आई और वो सज भी खूब रही है गणगौर के लिए, लेकिन ये रूही किस लिए सज रही है ये बात हमें समझ नहीं आई। का एक है लेकिन उसकी दुल्हने तो दो दो हैं। अब ये देखिए, एक और अबीरा सज रही है, सवर रही है, सोला श्रृंगार कर रही है, तो वही दूसरी ओर रूही को देखिए, वो भी अपने आप को सुहागन समझ रही है। क्या जानते हैं किसकी? अब हम जानते हैं कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि रूही के मन में भी तो अरमान ही बसता है। सारी जो सुहागरें हैं हमारी वो बहुत सुंदर से तैयार हैं एंड मैं भी तैयार हो रही हूँ, जबकि यू नो इन द शो मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, नहीं रहे हैं, तो पर फिर भी मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मेरे लिए रूही के लिए तो अरमान ही मैटर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अरमान की प्यार की कुंवारी में रेडी हो रही हैं और उस वादे के बारे में सोच रही हैं जो यू नो अरमान ने उसे दिया कि 3 महीने बाद जब उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ओवर हो जाएगी तब वो अपनी दादी सा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करेगा। तो आई थिंक इसी खुशी में, इसी प्यार के नशे में मैं कहूँगी वो तैयार हो रही है और इसीलिए शायद प्यार का ग्लो है कि इतनी सुंदर लग रही है। अब गणगौर का त्योहार है, सुहागने सचती हैं, सवरती हैं, पति का प्यार उन्हें मिलता है, तो यहाँ पर पति का प्यार मिल रहा है अबीरा को। जहाँ तक हम जानते हैं अबीरा को, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है सजना सवरना, लेकिन बात यहाँ पर पियाजी की हो रही है जिससे अब वो प्यार कर बैठी है। अरमान तैयार हो जाता है और अबीरा तैयार होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे उसको हेल्प की, अरमान को लगता है इसको हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि बहुत कुछ उसको पहनना है और नीचे सब लोग फैमिली वेट कर रही है, तो अरमान जाता है और उसकी मदद करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, ऑडियंस को तो देखने में बहुत मज़ा आएगा और अबीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा सीन है, फन सीन, इट्स नाइस नाइस क्लोज मोमेंट्स। तो सजना सवरना तो बनता ही है और अरमान ये अच्छे से जानता है कि अबीरा को सजाना पड़ता है, तो देखिए कैसे आज वो अबीरा को अपने हाथों से सजा रहा है। कहानी का दूसरा पहलू ये है कि रूही ही खुद को अरमान की पत्नी का दर्जा न जाने क्यों देना चाहती है। अब तो हमें लगता है कि वो अरमान को हासिल करना चाहती है। देखिए कैसे शादी की चुन्नी ओढ़कर वो अरमान को याद कर रही है। रूही एक्चुअली वो दुपट्टा उठा लेती है ये सोच के कि यू नो
फर्स्ट थॉट इज़ कि मेरे लिए वो अरमान का दुपट्टा ज़रूरी है। उसे बुरा भी लगता है जब वो दुपट्टा वो नहीं पहन पाती है, बट ऑब्वियसली अभी अरमान और अबीरा मैरिड है तो उसका हक नहीं है। बट फिर जब वो पहनती है तो उसे लगता है कि इस पे तो मेरा ही हक है, एंड शी ऑल्सो फील्स कि अबीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं जानती ना अबीरा क्या फ़ील करती है, तो उसे यही लगता है कि अबीरा के लिए भी ये शादी ऐसी है तो अबीरा थोड़ी ये दुपट्टे पर ध्यान देगी, ये दुपट्टा तो मेरे लिए ज़रूरी है तो इसे मेरे पास ही होना चाहिए। पर फिर बाद में जाके वो लौटा भी देगी ये दुपट्टा, बट हाँ थॉट तो यही है। वही दूसरी ओर जब अबीरा और रूही एक साथ बैठे हैं मूर्ति बनाने के लिए, उस वक्त भी प्यार को लेकर इन दोनों के बीच डिस्कशन चल रहा है। अब अबीरा जानना चाहती है कि रूही किससे प्यार करती है। तुम ना हमेशा यही करती हो, तुम अपने सीक्रेट पर ताला लगा के रखती हो और हमेशा मेरे सीक्रेट जानना चाहती हो। मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं किससे प्यार करती हूं? तुमने मुझे कभी बताया तुम किससे प्यार करती हो? रूही एक्चुअली सैड थी, वो रो रही थी, अपने कमरे में थी, तो मेरी रूही से खिटपिट चलती रहती है, बट उसके बावजूद मैं वहाँ गई और मैंने उनको समझाया, मैंने उनको थोड़ा सा प्यार के बारे में कुछ चीज़ें बताई, फिर वहाँ से अरमान गुजर को और इनक्रेज किया अपने प्यार करने के लिए, जैसे वो अब और ज़्यादा डिवोर्स नहीं, अब तो अभी तक तो वो कमरे के बाहर से घूमती, अब मुझे लगता है वो सीधा रूम में आया करेगी। जितना उसको अबीरा का सपोर्ट मिला है प्यार के लिए, तो देखते हैं अभी रूही को क्या आगे फायदा होता है। फायदा होता है। और रूही के तो मन में लड्डू फूट रही हैं अबीरा को ये बताने के लिए कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ, यानी कि अब हमें लगता है कि इस गनगौर ना एक कुछ धमाका होगा, शायद अबीरा का दिल टूट सकता है जब अरमान और रूही की सच्चाई उसके सामने आएगी। वैसे जाते जाते हम बात करेंगे इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गनगौर त्योहार की, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।